Alright friends, this question में हमें given है all the graphs below are intended to represent the same ocean. One of them does it incorrectly. Pick it up. तो हमें चार graphs given है और हमें ये बताना है इनमें से गलत graph कौन सा है. तो पहले graph से ही clearly हमें दिख रहा है ये velocity time graph है जिसमें velocity continuously decrease करती जा रही है, zero होती है और फिर increase करती है in the negative direction. तो ये graph जो है ये किसी भी motion के लिए हो सकता है for a body thrown up. तो अगर किसी stone को हम ऊपर की तरफ project करें ये उसका standard graph है. प्रोवाइडेड अपवर्ड डायरेक्शन इज टेकन एज पॉजिटिव एंड द डाउनवर्ड डायरेक्शन इज टेकन एज नेगेटिव. तो ये ग्राफ बनता है. तो इसी के करस्पॉन्डिंग वेलोसिटी और पोजिशन का ये वाला ग्राफ बन जाता है और पोजिशन और टाइम का भी ये करस्पॉन्डिंग ग्राफ बनता है फॉलोइंग द इक्वेशंस. बट ये थर्ड ग्राफ सही नहीं है. कैसे नहीं है उसको देखते हैं. तीन ग्राफ जो हैं ये करस्पॉन्ड कर रहे हैं टू मोशन ऑफ बॉल थ्रोन अंडर ग्रेविटी. एक एक करके डिस्कस करते हैं. तो पहला वेलोसिटी टाइम ग्राफ है. ये इक्वेशन फॉलो कर रहा है v इज इक्वल टू u माइनस ए टी जहाँ पे a जो है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बराबर है. तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ है विद नेगेटिव स्लोप. ये ही ग्राफ बनेगा v इज इक्वल टू u माइनस ए टी से फॉर अ बॉल थ्रोन अप. सेकेंड ग्राफ है वेलोसिटी और पोजिशन के टर्म्स में. तो वो हम वेलोसिटी और पोजिशन का जो ग्राफ है उसके लिए इक्वेशन लिखते हैं वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू टू एस. यू स्क्वायर को आप लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड पे ले आइए तो आपके पास आएगा यू स्क्वायर प्लस टू एस और फिर अंडर रूट लेंगे तो आपके पास दो वेलोसिटीज की वैल्यू आएंगी फॉर द सेम पोजिशन. तो ध्यान रखिएगा एक पोजिशन पे दो वेलोसिटीज होती हैं. किसी बॉडी को ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो कोई भी इंस्टेंटेनियस पोजिशन हम कंसिडर करें एक वेलोसिटी होगी अपवर्ड जर्नी के दौरान अपवर्ड डायरेक्शन में, एक वेलोसिटी होगी उसी पॉइंट पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में डाउनवर्ड जर्नी के दौरान. तो एक ही पोजिशन पे दो वेलोसिटीज पॉसिबल हैं जो इस ग्राफ में हमें दिख रही हैं. तो कुछ ऐसा ही ग्राफ हमें दिखता है. पैराबोलिक सा ग्राफ है ये. वेलोसिटी वर्सेस पोजीशन का ग्राफ है. तो वेलोसिटी पोजीशन ग्राफ फॉलो कर रहा है इक्वेशन वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू टू एस जहाँ पे ए को हमें माइनस में फिल करना है तो माइनस टू एस लिख सकते हैं ऐसे इवेंचुअली. फिर बात करते हैं चौथे ग्राफ की. इसी इक्वेशन को रीअरेंज करके रैदर सेकेंड इक्वेशन एस इज इक्वल यू डी प्लस हाफ डी स्क्वायर को हम यूज कर सकते हैं पोजिशन वर्सेज टाइम ग्राफ के लिए. इक्वेशन होगी वाई इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर. ये पैराबोला की इक्वेशन है वाई और टी स्क्वायर में विद कंटिन्यूसली डिक्रीजिंग स्लोप. तो हमें क्लियरली दिख रहा है y इज इक्वल टू इंस्टेंटेनियस पोजिशन इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर. ये इक्वेशन फॉलो होगी फॉर अ बॉडी विच इज थ्रोन वर्टिकली अप. तो ये फोर्थ ग्राफ भी सही है. हाउ एवर अब दिक्कत क्या आएगी ग्राफ नंबर थ्री में अगर हम देखें तो हमें ये ग्राफ है पहले स्लोप इंक्रीज कर रही है और बाद में स्लोप डिक्रीज कर रही है. जब हम किसी बॉडी को ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो उस पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की तरफ लगती है जो उसे उसकी वेलोसिटी को स्लो डाउन करती है और स्पीड भी स्लो डाउन होती है ड्यूरिंग असेंट. ड्यूरिंग डिसेंट वो इंक्रीज करती है. तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ पहले शुरुआत में उसकी जो स्लोप है वो इंक्रीजिंग नहीं होनी चाहिए थी, वो डिक्रीजिंग होनी चाहिए थी फॉर अ बॉडी थ्रोन अप. तो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ डी स्क्वायर में ए को माइनस में फिल कर रहे हैं एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में नेगेटिव कंसिडर करके. तो ये हमारे पास इक्वेशन फॉलो होनी चाहिए थी ग्राफ नंबर थ्री में. स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ स्पीड देता है और गिवन तीन ग्राफ्स को अगर हम फॉलो करें जो कि रिप्रेजेंट कर रहे हैं पहले अपवर्ड जर्नी और फिर डाउनवर्ड जर्नी को, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो है इसकी स्लोप को पहले डिक्रीजिंग होना चाहिए था फिर इंक्रीजिंग होना चाहिए था. जबकि यहाँ पे गिवन है पहले इंक्रीजिंग स्लोप है, स्लोप लगातार इंक्रीज कर रही है और बाद में स्लोप लगातार डिक्रीज कर रही है ग्राफ में. तो ये उल्टा है एज कम्पेयर टू जो केस होना चाहिए था. तो ग्राफ शुड लुक समथिंग लाइक दिस वेयर फर्स्ट द स्लोप इज डिक्रीजिंग एंड देन द स्लोप इज इंक्रीजिंग. तो इस तरह का ग्राफ देखना चाहिए था जब हम किसी बॉडी को अपवर्ड डायरेक्शन में प्रोजेक्ट करते हैं. स्लोप डिक्रीज करने का मतलब है इस जर्नी के दौरान असेंट हो रही है और स्लोप इंक्रीज करने का मतलब है इस जर्नी के दौरान डिसेंट हो रही है. तो ये ग्राफ बाकी सभी तीन ग्राफ्स के साथ करस्पॉन्ड कर जाता. तो इसका मतलब ये हुआ कि थर्ड नंबर ग्राफ जो है वो इनकरेक्ट है और हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए जो कि इनकरेक्ट ग्राफ को पिक करना है वो है ऑप्शन नंबर थ्री.